दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे MC T20 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा प्रेसिडेंट 11 वर्सेस सेक्रेटरी 11 के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन सा वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आपने से काफी भाइयों को पता होगा कि अगर आप चॉइस 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो चॉइस 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो सबसे पहले अजीज़ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है विकेट कीपर से, जो कि आपको अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस मैच के बारे में कि क्या इनका जो है परफॉर्मेंस रहने वाला, आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, शानदार 91 रन की इन्होंने पारी खेली थी, उससे पहले 26 रन करे दोस्तों, फिर इन्होंने 55 रन करे, फिर 3 रन करे और 80 रन करे, शानदार फॉर्म में चल रहे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। वहीं अगर आप चाहो तो हफीज को ट्राई कर सकते हो, हफीज के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों नंबर 3 आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लास्ट में 21 रन करे, उससे पहले 6 रन करे, फिर 3 रन करे दोस्तों, 10 रन करे और 2 रन करे, अब लास्ट मैच में थोड़ा सा परफॉर्म करा लेकिन उससे पहले इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूं। वहीं अगर किसी को आप ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में आप यहां से वैन आजम को जरूर ट्राई कर सकते हो, यानी कि मोहम्मद को जरूर ट्राई कर सकते हो, ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस विकेट कीपर है तो कैचेस वगैरह पकड़ के दे देंगे। रिसेंट में इन्होंने 22 रन करे, फिर 7 रन करे और 32 रन करे। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो इनको रख सकता हूँ, लेकिन मैं इनको इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ये जो है ना स्ट्रगल करके खेलते हैं, मतलब काफ़ी गेंदों में, अब जैसे लास्ट मिनट में इन्होंने 22 रन करे, ये 27 बॉलों में करे, इससे पहले ये जो 32 रन करे थे ये 37 बॉलों में करे, तो यार T20 में भी ये ऐसी इनिंग्स खेल रहे, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। एक मेरे यहाँ से विकेट कीपर रहने वाले अजीज। बैटिंग में अगर मैं बात करूं फैज़ का आपके पास ऑप्शन है, 93% लोगों ने इनको ले रखा है और नंबर 6 पे ही बैटिंग करेंगे, लेकिन इनका प्लस पॉइंट पता है क्या है, ये आपको इस मैच में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट मिनट में एक विकेट निकाला था बॉलिंग करके, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर जल्की के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में 18 रन करे, उससे पहले 21 रन करे, फिर इन्होंने 15 रन करे, 30 रन करे और 10 रन करे, एवरेज परफॉर्मेंस रहा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। रहमान के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर जो इनका रहने वाला है ना वो तकरीबन नंबर 6 पर रहेगा, तो यार काफ़ी नीचे हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। किसी और के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं स्मिथ, दोस्तों ये बंदा आपको 1 डाउन नंबर 3 पर खेलते हुए भी नजर आएगा, प्लस बॉलिंग भी करेगा, लास्ट मिनट में 18 रन करे, प्लस एक विकेट इन्होंने बॉलिंग से निकाला, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। 3 मेरे यहां से बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, विरनदीप सिंह भाई साहब खतरनाक प्लेयर है दोस्तों, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, नंबर 5 पे बैटिंग करेगा और बॉलिंग भी करेगा, लास्ट मैच में इन्होंने 85 रन की एक शानदार पारी खेली, उससे पहले 0 रन इन्होंने करे, फिर 42 रन करे दोस्तों, 116 रन करे और 7 रन करे, लास्ट मैच में बॉलिंग से भी 3 विकेट निकाले, उससे पहले 0 विकेट, फिर इन्होंने 2 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले और 1 विकेट,
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए टॉप चॉइस होने वाले। फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ आमिर आजम के बारे में। अगर मैं बात करूँ बैटिंग ऑर्डर जो है इनका आपको तकरीबन नंबर 4 पे नजर आएगा। लास्ट में 36 रन करे, उससे पहले 23 रन करे, फिर 0 रन करे, फिर 18 रन करे दोस्तों और 1 रन करे। लास्ट 5 में से 2 मैचेस में बॉलिंग करी और 1 विकेट निकाले। अब बॉलिंग का तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन बैटिंग कर लेंगे, अच्छा कर सकते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर यहाँ से मुनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर जो इनका रहने वाला है वो तकरीबन नंबर 4 पे रहने वाला है। लास्ट मिनट में 22 रन करे, उससे पहले 1 रन, फिर 4 रन और 3 रन। लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, उससे पहले फिर 2 विकेट निकाले, फिर 0 विकेट और 1 विकेट। तो बैटिंग बॉलिंग करके दे रहे, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ दोस्तों। इस मैच के लिए आपके लिए एक और अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फितरी शाम, इनको आप लेके चल सकते हो दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं इनके बारे में बात करूं, 4 ओवर इन्होंने बॉलिंग करी थी और अगर मैं ऐसे बात करूं इन्होंने 52 रन दे दिए तो कोई विकेट नहीं निकाले। लास्ट मिनट में 0 विकेट निकाले, उससे पहले 2 विकेट इन्होंने निकाले, फिर 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। अब अगर आप चाहो तो रख सकते हो क्योंकि 51% सेलेक्शन है, क्योंकि मुझे सामने वाली जो टीम लग रही है यहाँ पे दोस्तों वो स्ट्रांग टीम है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है ये जो है ज़्यादा विकेट निकाल देंगे। वहीं किसी और के बारे में बात करें दोस्तों, आपके लिए जो अच्छा ऑप्शन इस मैच में हो सकते हैं वो होने वाले यहाँ से सुरेंद्रन दोस्तों। इनके बारे में बात करूँ, ये आपको इस मैच में ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। लास्ट मिनट में 14 रन करे, उससे पहले इन्होंने 47 रन करे, फिर 8 रन करे, 2 रन करे और 15 रन करे। लास्ट मैच में अगर मैं यहाँ से बात करूँ दोस्तों इनके बारे में, तो देखिए लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ बॉलिंग ये करवा लेते, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि रिसेंट में 3 मैचेस, लास्ट मैच को छोड़ दोगे तो उससे पहले 3 मैचेस में बॉलिंग करवाई और 3 विकेट निकाले, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन इस मैच में बन सकते हैं दोस्तों। फिलहाल 4 हमारे यहाँ से ऑलराउंडर रहने वाले, आप देख सकते हो। बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन फिलहाल के लिए निकल के आता है तो इड्रस का निकल के आता है। 4 ओवर डालेंगे, लास्ट मिनट में 1 विकेट निकाले, उससे पहले 3 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाले दोस्तों, फिर 0 विकेट और 2 विकेट। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूं। जरबानी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनका क्या रहा है, लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले थे, उससे पहले 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट और 2 विकेट। भाई साहब ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। दुरानी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो दुरानी के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं यहां से दुरानी के बारे में आपको बताना चाहूँ दोस्तों, लास्ट मिनट में 1 विकेट इन्होंने निकाला था और रिसेंट के बारे में बात करूँ 5 मैचेस के बारे में 5 विकेट ये निकाल चुके हैं दोस्तों। दोस्तों इस मैच के लिए जो आपके लिए एक ट्रंप प्लेयर होने वाले रिजवान हैदर, आपके लिए ट्रंप प्लेयर होने वाले। लास्ट मिनट में इन्होंने भले ही 0 विकेट निकाले, लास्ट 5 मैचेस की इनके 5 विकेट है, लेकिन भाई ये बहुत तगड़ा बॉलर है। जिस दिन विकेट निकालता है, मतलब 2-3 विकेट एक साथ ही निकालता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपको इस मैच में विकेट निकाल के दे सकता है। वहीं रहमान के बारे में बात करूँ, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाल रखे, बाकी कोई खास मुझे ऑप्शन नहीं लग रहा। फिलहाल मैं रिजवान को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से जो आपके पास एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, दुरानी को अपनी टीम में रख रहा हूँ और यहाँ से 10-3 मेरे बॉलर रहने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, आपके लिए विरनदीप सिंह होने वाले, मुनी एक अच्छे ऑप्शन होने वाले जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और अजीज को आप कर सकते हो, 3 बेहतरीन ऑप्शन है। फिलहाल मैं विरनदीप को कैप्टन, मुनी को वाइस कैप्टन कर रहा हूं। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेडक्वार्टर में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेडक्वार्टर में, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप चॉइस 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो चॉइस 11 ऐप आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेडक्वार्टर में। तो बस आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेलीग्राम चैनल पे।